जय जय माता माता दी। दी। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं प्रेमलता यादव बारा से बिलोंग करती हूँ। आप सभी के बीच ही की हूँ, कोई बाहर से नहीं हूँ। आज मैंने जो अचीवमेंट किया है, पहले गोवा का और आज थाईलैंड, तो ये मेरा, मुझे ये पता नहीं कि मैं कैसे करती हूँ। मैं बार बार यही चीज कहती हूँ कि मुझे पता नहीं है मैं किस तरह से कर जाती हूँ। yes, yes. लेकिन मैं हंसते मुस्कुराते सब काम कर देती हूँ। yes. आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप सभी के बीच में आज मेरा जो इतना मान सम्मान हुआ है, इसके लिए मुझे अपने आप पर गर्व है। आप सभी को तो मैं कह रही हूँ कि नेट साहब जो कंपनी है हमारी, जो हमारा फील्ड है, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इससे हमें सीख मिलती है कि जो इसके जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है। और कॉन्फिडेंस के साथ आप इस चीज को करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपसे आंख मिला के अगर कोई बात करता है तो कोई उसे निशा नहीं कर सकता। yes. इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप बहुत अच्छा करें और आगे बढ़ते जाएं। yes. सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मेरा सवाल है। हाँ सर। आप महीने में कितने दिन काम करते हैं? सर अभी मेरी बेटी की शादी थी। हाँ। तो मुझे पता नहीं, मैं जो इन्विटेशन देने जाती थी, मेरे हस्बैंड बोलते थे कि क्या कर रही हो। मतलब बिटिया की शादी में भी उन्होंने काम किया, तो एक बार जोरदार वाली ताली बजा दी। सर उसी में मैंने आज फोर किया, बिटिया की शादी के बाद में, लेकिन मैं उसके बाद में जी तोड़ मेहनत करने लग गई। मैं घर में आराम से रहती भी हूँ, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, क्यों करती है, लेकिन मैं अपने खुशी के लिए काम करती हूँ। क्योंकि मुझे कहते हैं सेहत बरकत मुस्कुराहट, इसको फैलाने का जो काम है, तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे काम में कोई शर्म नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि आप अगर करते जाइए तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे, और बेझिझक इस काम को कीजिए और आप आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू। हाय, और सर का माल्य अर्पण स्वागत करें हमारे त्यागी जी सर। बिल्कुल सर, और जोरदार वाली तालियों के साथ में हमारे द्वारकीलाल जी का वेलकम होना चाहिए। बहुत बहुत बधाई है द्वारकीलाल जी, क्या बात है। विदेश जाने के सपने, सपना होता है कई लोगों का, है कि नहीं। नीचे खड़ा होकर जेल गाड़ी को देखता है। yes. परंतु आज देखा जाए तो इस माध्यम से, नेटसब के माध्यम से हमारे द्वारकीलाल जी आज इस सपने को पूरा कर पा रहे हैं। yes. एक बार जोरदार वाली तालियां दोनों आशीर्वाद के लिए मैं चाहूंगा। बड़ा इजी गोइंग कर लिया तो सर। साथियों नमस्कार, मेरा नाम द्वारकीलाल कुमार है, और मैं आज जो मैं ये माला मेरे गले में देख रहे हो, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। आप भी इसी पोजीशन पे आ सकते हैं। हमें ईर्ष्या हो रही है सर आपसे। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आप अगर हमारी तरह मेहनत करते हैं तो आज भी हमारे पोजीशन से आप होते। ये मेहनत का फल है सर, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य था, मैं सुबह 8 बजे घर से निकल जाता था, और रात को 8 भी बजाए, 9 भी बजाए, 10 भी बजाए, कभी कभी तो 11 भी बजाती थी, और बच्चे बच्चों का स्कूल तक भी आता था, पापा कहाँ है, लेकिन मैं उनको बोल देता था, मैंने बेटा मैं कहीं भी हूं बाकी मैं सुरक्षित हूं और आपके लिए कर रहा हूं, और बिल्कुल ये चीज मैं करता गया। किसी को एक प्रोडक्ट की जरूरत थी उसको एक प्रोडक्ट दिया, किसी को दो प्रोडक्ट की जरूरत थी उसको दो प्रोडक्ट दिया, किसी को पूरा ट्रीटमेंट की जरूरत थी उसको पूरा ट्रीटमेंट दिया, किसी को खेती की प्रोडक्ट की जरूरत थी उसको खेती का प्रोडक्ट दिया। इस प्रकार से मैंने उनको प्रोडक्ट
इनपुट देते देते आज आपके सामने इस प्रोग्राम पे हूँ और मैं 5 रात और 6 दिन के लिए थाईलैंड जा चुका हूँ। यस, दोस्तों आज जो अपन काम कर रहे हैं ये कोई छोटा मोटा काम भी नहीं है और बिल्कुल ईमानदारी का काम है, आपका ये बेईमानी का काम नहीं है। आप जिसको प्रोडक्ट दे रहे हो आप उसको पूरा क्लियर बताए, कोई झूठ बोलने का काम नहीं, क्योंकि हमारे सिस्टम में झूठ बोलने का बिल्कुल 1% भी कोई काम नहीं। उसने जो भी पैसे ले रहे हैं या जो प्रोडक्ट दे रहे हैं सारी चीज उसके सामने क्लियर है। तो इस वजह से आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आशा करता हूं आप सब लोग जिस मुकाम पे मैं हूं आप सब लोग भी इस मुकाम पे आए। मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं, ईश्वर से ऐसी आशा करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू जी, भाई राजेश सर के लिए।